गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे कि जो अभी आईसीए डिपार्टमेंट ने, ठीक है, यानी फेडरल अथॉरिटी ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, जो आईसीए डिपार्टमेंट है यूआई का, उन्होंने एक उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है जिस सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप यानी आईसीए डिपार्टमेंट ने कहा है कि इलीगल वीज़ा वाले जो हैं, ठीक है, इलीगल वीज़ा वालों के लिए थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और गुड न्यूज़ है अभी। तो इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन करें, उसके बाद अपने जो है वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यूएई के अधिकारियों ने घोषणा की है कि जिनका वीज़ा यूएई में ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जो लोग यहाँ पे ओवर स्टे हो चुके हैं, पहले समझ लीजिएगा, जिनका वीज़ा यूएई में ख़त्म हो, जो लोग यहाँ पे ओवर स्टे हो चुके हैं एक मार्च से पहले जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उनका जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो कानून उन्होंने लागू किया था वो यानी ये किया था, उनका एक डेट था शॉर्ट टर्म ऑफ एमिनेस्टी, ये 14 मई को लाया गया था और ये जो है अभी 17 नवंबर तक था। ठीक है, तो अब 17 नवंबर कल थी, तो अभी इसको फिर से बढ़ा दिया गया जो कि 31 दिसंबर कर दिया गया है। 31 दिसंबर आप अभी तक आप नहीं गए हैं यूएई में हैं तो अभी आपके पास बिल्कुल पूरा मौका है, आप पूरी तैयारी कर लें ताकि आप ओवर स्टे हो गए तो आपको फ़ाइन या कोई ब्लैक लिस्ट वगैरह ना होना पड़े। और ये उनके अधिकारियों ने ये भी साथ साथ बताया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको यहाँ पर जॉब चाहिए, वो अपना दोबारा से वीज़ा लगा सकते हैं और उनका कोई फ़ाइन नहीं पड़ेगा, वो अपना दोबारा से एग्ज़िट हो जाएँ, फिर से वापस आ सकते हैं अपना वीज़े पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बढ़िया न्यूज है क्योंकि इसमें ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये दिखा दिया कि यूए गवर्नमेंट के जो अच्छाइयां हैं वो यही हैं कि सुविधाएं सबके लिए होती हैं, सबके बारे में सोचते हैं वो लोग। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आईसीए और जीडीआरएफए करके लेके चल रही हैं, जो कि आईसीए अगर हम बात करें, आईसीए चल रहा है तो ये दुबई से बाहर वालों के लिए चल रहा है और जीडीआरएफए का प्रॉब्लम्स दुबई वाले, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन अभी कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनके हिसाब से अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका भी उन्होंने टाइम दिया 31 दिसंबर तक उनको टाइम दिया गया है। तो अभी आप बिल्कुल अपना शॉपिंग वॉपिंग करें, पैकिंग वैकिंग करें, अपना सामान इकट्ठा करें। दूसरी चीज़, आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, अभी नवंबर 17 नवंबर आज 18 नवंबर हुआ है, आपके पास अभी इसके 12 दिन है और अगला एक पूरा महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप उस बीच में ओवरस्टे ना हो, अगर ओवरस्टे हो गए, अगर आपका नेक्स्ट ईयर लग गया तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग अभी यहाँ पे हैं उनके पास बहुत ही अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है, आप अपना टाइम निकालें, टाइम निकालने के बाद अपना जो है अभी यहाँ से एग्ज़िट कर लें। ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था ताकि आप लोगों इन्फो अपडेट कर सकें। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और उन लोगों से यही कहेंगे कि जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और ताकि हम ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही अपडेट्स अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।